Lalu untuk perumahan kami yang harus berubah. Berkenan Dr. Sarma, Chairman PTADC, CM Purnachandra Jamatya, Minister of Industries Rishikesh Devarma, CNEL Ravindra Babu, यहां में हमारे एमएलए हैं सपना जयवर्मा, ईएम रुनेल जयवर्मा, एक्सएमएलए एंड सीडब्ल्यूसी मेंबर पति प्रामथा राजेश्वर जयवर्मा, जोनल चेयरमैन, यहां में सब जोनल चेयरमैन ऑफिसर्स, हमारे ब्रू लीडर्स सिग्ला रीडर्स सबको मेरे तरफ से शिवा इनॉग्रेट द डाकदू जोनल ऑफिस। और सबसे पहले मैं यहां में मैंने देखा नहीं वो है यहां में कहीं कि नहीं नमिता देवर्मा, कहां है नमिता देवर्मा? नमिता ने ये जमीन दिया है हमको, बेला चला है मोहम्मद नमिता। यहां में सब वीआईपी है लेकिन मेरे लिए आप वीआईपी है क्योंकि हाँ आपने दिया, इसके लिए सब नमिता के लिए एक बड़ा हाथ दीजिए। मैं आपको आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं बहुत गर्मी है और आप लोग यहां में कुछ सुनने आए हैं। आई वॉन्ट टू अश्योर एंड टेल एवरी वन, मैं आपको एक बात गारंटी देके बोल सकता हूं कि जो दिल्ली में बात हो रहा है, जो दिल्ली में बात चल रहा है, मैं अपने बारे नहीं सोच रहा हूं, मैं अपने पार्टी के बारे नहीं सोच रहा हूं, मैं आपके नेक्स्ट जेनरेशन अपना तीपरा सा जाति के बारे सोचकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेशर में रखकर बात करके आपको इस साल अगले साल अभी मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर के साथ हुआ। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स पूरा नॉर्थ ईस्ट का मेरे साथ था। बोडो लैंड से था, कार्बी आंगलोंग से था, खासी घरों जयंत्या हिल से था, मिजोरम से था और हम लोग त्रिपुरा से थे। पूरा डेलीगेशन को हम लोग एक साथ जाकर हमने होम मिनिस्टर से बात की और 125th अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में आने का बात है हमने वो राइटिंग में हम अकेले नहीं सबने दिया है। और आने वाले 8-10 दिन के बाद हम लोगों का फिर से मीटिंग है, हम लोग सब फिर से मिलेंगे और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक बात क्लियरली बोल दिया है, अगर आपको इंडिया को बचाना है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, अगर आपको आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा को बचाना है तो सबसे पहले आपको वहां का हानि भूसा हमारा इंडिजिनस तिपरासा को रक्षा देना पड़ेगा। हमारे पॉकेट में पैसा आना चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा कल चाहिए, हमारा जमीन का अधिकार हमको चाहिए, हमको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। ये बात हमने कह दिया और होम मिनिस्टर ने सिर्फ बुबाकरा को नहीं सब 10 के 10 काउंसिल को प्रॉमिस किया है कि एक महीने के अंदर वो लोग डिसीजन लेकर हमको अपना अधिकार 125th अमेंडमेंट में देंगे। ये सिर्फ बुबाकरा को नहीं सबको बुला दें। इसके बाद क्योंकि यहां में मीडिया है और आजकल मैं नंबर वन दुश्मन हूं मीडिया का, आपका नहीं, आप तो अपना भुकुम बारा मीडिया है,
लेकिन अगरतला का मीडिया में कभी भी न्यूज़पेपर उठाओ तो रोज एक ना एक गाली मिलता है सुनने के लिए। लेकिन जितना गाली ये लोग हमको देंगे, कभी कोई पूछता है वेयर इज बेटर टीपरा लैंड। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने अपना डिमांड छोड़ा नहीं है। आज कोई बोलता है वन लास्ट फाइट, जब तक मेरा तिपरासा एक रहेगा ये फाइट खत्म नहीं होगा। जब तक हम लोगों को अपना फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलता है ये आवाज बंद नहीं होगा। और जब तक गुबागरा को आपका प्यार और आपका सपोर्ट है, गुबागरा को आप चुप नहीं कर सकते हैं, मैं अपना तिपरासा के लिए फाइट करते रहूंगा। आज यहां में एक ऑफिस बना है, कल हर जोन में ऐसा ही ऑफिस बनेगा, हर सब जोन में ऐसा ही एक ऑफिस बनेगा। इसमें नौकरी भी अपने ही लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमको अपने आप को उठाना है तो आपको सुरक्षा भी मिलना होगा, और वो सुरक्षा आपको नौकरी देकर, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देकर होगा। 15-20 आदमी को एमएलए एमपीसी बनाने से कुछ नहीं होगा, 15 लाख तिपरासा को अधिकार देना पड़ेगा। और वो फाइट इलेक्शन से नहीं होगा, वो फाइट हमारा एकता से होगा। यहां में माइनॉरिटीज है, मुझे जगदीश बाबू ने बोला आप लोग को लगता है कि महाराज तिपरासा के बारे में बात करता है, लेकिन महाराजा ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। हम आपके बारे में भी प्यार करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, और आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। जब महाराजा का शासन था त्रिपुरा में, मुसलमान और बंगाली का, मुसलमान बंगाली और तिपरासा का कभी भी दंगा नहीं हुआ। और जब तक हम लोग हैं, हम लोग कभी भी आपके ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। ये देश, ये राज्य आप कभी और कोई आपको माइनॉरिटी बनाकर आपको बाहर रखने की कोशिश करेंगे, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम सेक्युलर हैं, हमारा पार्टी का एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी रहेगा, तिपरासा भी रहेगा, मणिपुरी भी रहेगा, सब रहेंगे। किसी को छोड़कर आप राजनीति ये देश को नहीं चला सकते। तो यही महाराजा ने शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया था, यही महाराजा ने ये जमीन का रक्षा भी किया था, और कभी भी भेदभाव नहीं किया। मैं भी वो करने वाला नहीं। यहां मैं तुम्हारे और मैं तिपरासा, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जो लोग मुझे बोलते हैं प्रद्योत हैज बिकम क्वाइट, आई हैव नॉट बिकम क्वाइट, आई बिकम मोर रेजोल्यूट। पीपल से गुबागरा वो क्यों नहीं चैलेंज कर रहा है, आई एम चैलेंजिंग इट, आई एम चैलेंजिंग एवरी वन हु चैलेंजेस तिपरासा, बट आई एम डूइंग इट विथ माई फ्रेंड्स। अंग्रेज को डंडा मार के महात्मा गांधी ने वापस विदेश नहीं भेजा, दिमाग से फाइट करके हमको मुक्ति मिला। आज अगर तिपरासा अपना दिमाग से काम करे, इस तिपरासा ये इस्तेमाल करके अपना अधिकार लेकर आए, तो
पूरा देश भी बोलेगा आई सल्यूट द पीपरा साथी। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया जाएगा, राइट टाइम में। लेकिन अगर आपको फैक्टर बनना है, इफ यू हैव टू बी अ फैक्टर, अगर आपको फैक्टर बनना है, अगर आपको अपने बच्चे के बारे में परवाह करना है, तो सबसे पहले थमसा रखो। आज ये फाइट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये फाइट इकोनॉमिक भी है, पैसे के लिए भी है। आज पूरा इंडिया में देख लो, पूरा दुनिया में देख लो, कभी अदानी अंबानी फाइट करता है, कभी बिरला टाटा फाइट करता है, कभी मारवाड़ी गुजराती फाइट करता है? नहीं। फाइट कौन करता है? आदिवासी, जनजाति, गरीब लोग। क्योंकि गरीब को 100 रुपया में देकर आप बांट सकता है, अमीर को आप कभी भी नहीं बांट सकता है। आज अगर आपको गरीब रखा जाएगा तो आपका धन सबको तोड़ा जाएगा। अगर आज आपको गरीब रखा तो 100 रुपया देकर भाई को भाई से लड़ाया जाएगा। अगर तीसरा साथ को गरीब रखा तो एमएलए से फाइट करेगा, लीडर लीडर से फाइट करेगा, भाई भाई से फाइट करेगा। क्योंकि गरीब के पेट में खाना नहीं है, गरीब का बच्चा को शिक्षा नहीं है, तो गरीब रखो, बाद में पैसा देकर पीपरासा को पीपरासा से फाइट कराएगा। कभी देवबर्मा जमातिया रियांग के नाम में, कभी आईपीएफ की दीपरा मोथा आईएमपीटी के नाम में, कभी कांग्रेस सीपीएम के नाम में, लेकिन हमेशा जब तक पीपरासा गरीब है, गरीब को बांटना आसान है, क्योंकि उनके पेट में खाना नहीं। तो 100 रुपया दो, फ्लैग उठाओ, टिपरा मोथा आई क्लॉक बोलो, सीपीएम आई क्लॉक बोलो, भारत माता की जय बोलो, पैसा देकर हम लोगों को बांटा जाता है। आज अगर तीपरा सागर खानसा रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग निगोशिएट करके, हम लोग प्रेशर डाल के, अगर हम लोग तीपरासा के एरिया में रुपया लगा सका, तो कोई तीपरासा दूसरा तीपरासा से फाइट नहीं करेगा। ये प्लानिंग है, ये पॉलिसी है। पिछले 75 साल से बोलने के लिए जगदीश बाबू का सबसे बड़ा दुश्मन राजेश्वर है। पूर्णचंद्र जमतिया जमतिया है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक रियांग। कहीं में आप त्रिपुरा है, आपका दुश्मन काइपेंग है, देवबर्मा। आप क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बोलकर हमको फाइटिंग किया जाता है। लेकिन अगरतला में देखो, अगरतला में रात में सीपीएम का लीडर, कांग्रेस का लीडर और जो सरकार में है वो भी सब बैठ के अड्डा मारता है, उसको उन लोगों का खानसा होता है। और हम लोग गरीब लोगों को जाति के नाम में, धर्म के नाम में और थोड़ा सा पैसा देकर हमको एक दूसरे से फाइटिंग किया जाता है। इसके लिए जो भी पैसा आता है वो अगरतला जाता है।